हेलो एवरीवन, आज से हम जो है अपने सिलेबस का आपके सिलेबस का एक नया टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आपको याद होगा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंड किया था, ख़त्म किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या बात की थी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग की जो प्रक्रिया है उसको वो रेगुलेट कैसे होती है, नियंत्रित कैसे होती है, इसकी बात प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो में की गई थी। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो आपको ध्यान होगा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म हैं, दो तरीके हैं। पहला होता है नर्वस या न्यूरल मैकेनिज्म और दूसरा होता है केमिकल मैकेनिज्म। तो नर्वस मैकेनिज्म के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं जिनको हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं, उनके द्वारा वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को। और वहां से कैसे कंट्रोल करना है, सिग्नल को कैसे लाना है और वहां तक पहुंचाना है, ये काम होता है नर्व्स का। तो नर्व्स में दो थी, आफरेंट नर्व जो क्या करती है, सेंसेस को, सेंसेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट से हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और इफरेंट नर्व क्या करती हैं, वहां से वो सिग्नल को कैसे कंट्रोल करना है, क्या एक्शन लेना है, वो ब्रेन से हमारे दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स आपको बताया गया था कि ये क्या है, हमारे ब्रेन स्टेम में पाए जाते हैं। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है जिसमें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आता है। ये ब्रेन जो सेंटर्स हैं ये क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का समूह है जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन की रेट को, रिदम को और फोर्स को। तो इसमें आपको बताया गया था कि मेडुलरी सेंटर्स, मेडुला में जो पाए जाते हैं उनको हम लोग मेडुलरी सेंटर्स बोलते हैं। मेडुलरी में दो थे, डॉर्सल ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और पॉन्स के अंदर जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पॉन्टाइन सेंटर्स। पॉन्टाइन सेंटर्स में दो इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से, एम्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटेक्सिक सेंटर्स। तो ये था नर्वस मैकेनिज्म और दूसरा था केमिकल मैकेनिज्म। केमिकल मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, इसमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं। जब कभी भी हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ भी परिवर्तन आता है, जैसे क्या क्या हो सकता है, जब कभी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर कम होने लगे जिसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगे जिसको हाइपरकैपनिया बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। तो जब कभी भी इस प्रकार का कोई केमिकल परिवर्तन बॉडी के अंदर आता है तो ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो की बात, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट था। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी का एक नया ऑर्गन सिस्टम जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम था क्या, हमारे रेस्पिरेशन ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, हमारे भोजन को पचाना। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो क्या होगा, ये कई सारे ऑर्गन्स के समूह से मिलकर के बना होगा। तो इस सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनका काम क्या है, जो भी भोजन हम लोग ले रहे हैं उसको क्या करना, उसको डाइजेस्ट करना, पचाना। ठीक है, तो एक एक करके आज इसका इंट्रोडक्शन है, तो एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज द मेजर रोल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या मेजर रोल है, ये क्या कराता है, पहले कराता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, आप जान रहे हैं कि जो भी भोजन हम लोग लेते हैं उस भोजन का उस रूप में जिसमें उसको लिया जा रहा है उसका कोई भी बॉडी में यूज नहीं है, जब तक कि उसको क्या ना किया जाए, डाइजेस्ट ना किया जाए, उसको तोड़ा ना जाए। ठीक है, तो पहले उस भोजन का क्या होता है, डाइजेशन, और डाइजेशन होने के बाद वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करके उसके अंदर से टूटने के बाद से जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो क्या करता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है और उसको हमारी बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू तक पहुंचाता है। तो ये मेजर रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब
एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का दो काम है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कराना। तो पहला क्या होता है, पहली प्रक्रिया है डाइजेशन की। डाइजेशन की परिभाषा, डाइजेशन की डिफिनीशन आपको बताएगी। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि भोजन जो हम लोग ले रहे हैं उसको क्या किया जाता है, ब्रोकन डाउन, तोड़ा जाता है छोटे छोटे सिंपल केमिकल सब्सटेंस में, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स में। और टूटने के बाद उसमें से क्या निकलता है, ये केमिकल कंपाउंड से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ के रूप में निकलते हैं, जिनको की बॉडी क्या करता है, जो आसानी के साथ हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और उसका न्यूट्रिएंट्स के रूप में बॉडी क्या कर सके, यूज कर सके। ये है डाइजेशन का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव प्रोसेस इज डन बाय मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स। अब ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेस्टिव प्रोसेस में मतलब क्या, फूड को ब्रोक डाउन करना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये दो तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है। पहला आप देख रहे हैं, पहला लिखा है मैकेनिकल ब्रेक डाउन। मैकेनिकल ब्रेक डाउन कहां पे होता है, जैसे ही हम लोग भोजन लेते हैं और उसको अपने मुंह के अंदर डालते हैं, मुंह में हम क्या करते हैं, अपने दांतों के द्वारा, अपने टीथ से उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं। तो दांतों के द्वारा जो भोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, ये क्या होता है, ये किसमें आता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन में। और एंजाइमेटिक, दूसरा ब्रेक डाउन कैसे होता है, एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन, ये किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स क्या है आप लोग जानते हैं, तो जैसे ऐसे भोजन हमारा पास करता है हमारी बॉडी के अंदर, जगह जगह पे उसको क्या मिलते हैं, जगह जगह पे उसमें कई सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूस मिक्स होते हैं, और उन जूसेस के अंदर क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, हमारे भोजन को छोटे एक सिंपल केमिकल कंपाउंड में तोड़ने में मदद करेंगे। तो दो ब्रेकडाउन है, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT और एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें दो चीजें हैं, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको शॉर्ट में हम लोग GIT बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो ये GIT या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। ये ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट का मतलब रास्ता, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था जिसके अंदर से एयर पास करता था, वैसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एक रास्ता है जिसके अंदर से हमारा भोजन हो करके पास करता है या गुजरता है, और उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन उसके अंदर होता है। तो ये मेन पार्ट है GIT। और इसके साथ साथ क्या है, एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एक्सेसरी यानी सहायक की भूमिका निभाते हैं, जिनके अंदर से भोजन तो नहीं पास करता है, जो GIT का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये तीन दो पार्ट है जिनसे मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, GIT इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 30 feet। इट ओपन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑन बोथ एंड्स। अब ये जो GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये कैसा स्ट्रक्चर है, देखने में अंदर से ये कैसा है, ट्यूब के जैसा होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्रैक्ट है, एक रास्ते के जैसा है। और ये ट्यूब कहां से कहां तक एक्सटेंड है, कहां से कहां तक फैला है, इसकी दो ओपनिंग है, दोनों तरफ से ये ओपन है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। पहली ओपनिंग है हमारा माउथ, तो हमारा मुंह जहां से खुला है वहां से GIT बाहर की तरफ ओपन है, अंदर पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्यूब के जैसे एक्सटेंड होता है, और जाकर के इसका लास्ट पार्ट कौन सा है, हमारा एनस। तो माउथ के जरिए हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, वो GIT में जाता है, उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग पार्ट में, और लास्ट में पूरा डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, जितना न्यूट्रिएंट्स उनमें से मिलना था उसको बॉडी क्या कर देती है, यूज कर देती है, और उसके बाद भोजन में से जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में निकाल देते हैं, वो किसके रास्ते, एनस। तो दोनों ही तरफ से GIT क्या है, एक ओपन है और एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है। और इस ट्यूब की लंबाई कितनी है, लगभग 30 feet। तो GIT की लंबाई, जो हमारी बॉडी के अंदर ये ट्रैक्ट है, ये ट्यूब है, इसकी लंबाई कितनी है, 30 feet है। और ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में दोनों एंड से, माउथ से भी ओपन है और एनएस से भी क्या है,
बाहर की तरफ ओपन है. नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल ऑफ दी आईटी इज फॉर्म्ड बाय फोर लेयर्स विच आर फ्रॉम इनसाइड आउट, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर एंड सिरस और फाइब्रस लेयर. अब ये जो जीआईटी, ये जो ट्यूब है, इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है, इसमें क्या है, इसके अंदर चार लेयर पाए जाते हैं या चार लेयर से मिलकर के ये बनी है. अगर इन चारों लेयर के नाम देखें तो ये क्रम कैसे होता है, इनसाइड आउट, सबसे अंदर में जो लेयर होती है उसका नाम क्या है, वो म्यूकस की लेयर है. म्यूकस के बाद अगली जो लेयर है उसका नाम है सब म्यूकस लेयर. उसके बाद अगली जो है वो है मस्कुलर लेयर. और सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है, सिरस और फाइब्रस लेयर. तो ये इनसाइड से आउट का क्रम याद रखिएगा, म्यूकस सबसे अंदर, उसके बाद सब म्यूकस, उसके बाद आपका मस्कुलर लेयर, और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बाहर सिरस और फाइब्रस लेयर. ये चारों लेयर से मिलकर के हमारे जीआईटी की दीवार या वॉल बनी है. लास्ट पॉइंट इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, नंबर वन प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड नंबर टू एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है. तो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स का समूह होगा. तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो बना है उसमें भी कई सारे ऑर्गन्स होंगे. तो जितने भी ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप यानी दो ग्रुप में बांट देते हैं. पहले वाले ग्रुप को बोलते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, प्राइमरी यानी प्राथमिक, जो मेन है, मतलब वो सारे जो जीआईटी का पार्ट है, जो जीआईटी को बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या वो सारे प्राइमरी में आते हैं. और इसके साथ साथ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो जीआईटी का पार्ट तो नहीं है लेकिन वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका है, सहायक की भूमिका निभाते हैं. एक्सेसरी का मतलब सहायता करते हैं. तो ये दो प्रकार के ऑर्गन्स है. तो आज ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हल्का सा इंट्रोडक्शन था. अब आगे इसी में और डिटेल में हम एक एक करके बात करेंगे, जो भी सारे ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर, क्या क्या उनका काम है, कैसे कैसे वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.